लोग खूब जी लेते हैं, अपने बीवी के लिए, बच्चे के लिए, परिवार के लिए, जिनके रक्त वर्ण से आपका संबंध है। सवरिया, ये बात हर किसी में नहीं पाई जाती। तुझ में जो समर्पण है मेरे सांवरे, वो किसी में नहीं। बस इसी चाहत से राहत आ गई, और उसी दिन तो मैंने कह दिया था कि एक बार मुलाकात का, एक बार मुलाकात का मौका तो दीजिए। Yeah, but I'm not.
महफिल में होंगी न मेले में होंगी, मेरे दिल की बातें अकेले में होंगी। भाव कैसा होना चाहिए? बिन फेरे हम तेरे, व्यक्ति से प्रेम नहीं होता, व्यक्ति के गुणों से प्रेम होता है, व्यक्ति के निर्मल भाव से प्रेम होता है। रुक्मणी ने कहा, कन्हैया तेरे त्याग तेरे परित्याग से मुझे लगाव था, ऐसा एक बार नहीं हजार बार हो जब मुझे सबको छोड़कर तुझे पाना। लाख छूटे मगर है कोई गम नहीं, एक तू ही है काफी हमारे लिए। रुक्मणी के साथ चर्चाएं चल रही हैं। भगवान कृष्ण के जैसा प्रेम करने वाला पुत्र हर किसी के घर में आ जाए तो ये समझ लो जीवन धन्य हो जाए। आज कन्हैया जी ने अक्रूर को भेज दिया है, उद्धव जी को भेजा है, जाओ जरा ब्रज में देख के तो आओ, ब्रज की बालाएं हमारी कैसी हैं। लेकिन ए उधो, याद रख लेना, कभी उन बालाओं से ब्रह्म ज्ञान की बात मत करना, क्योंकि मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। उधो ने कहा, जाओ जानकारी लेकर आओ, मेरे सखा कैसे हैं, मेरे मित्र कैसे हैं, मेरी स्नेही कैसे हैं, मेरी गौ माता कैसी है, यशोदा मैया कैसी है, रमण रेती उतनी ही सुंदर लग रही है क्या, क्या उतना ही सुंदर निधिवन है? आपको पता है आज भी निधिवन में भगवान रोज रास रचाते हैं, अगर नहीं गए हैं तो एक बार आके देखना। शाम को 6 बजे के बाद पूरा वन खाली करा दिया जाता है और उसमें पशु पक्षी भी नहीं रहते महाराज। भगवान का शयन होता है, बिस्तर लगाया जाता है और सवेरे सब कुछ उथल पथल मिलता है, यानी मेरे बिहारी आज भी वहां रास रचाते हैं। बड़े बड़े पुरातन साइंटिस्ट सब हार गए और उस वन में जा करके जिसने भी एक बार प्रभु का दर्शन कर लिया वो पागल हो गया। ना शरीर का होश है ना वस्त्र का होश है। उद्धव जी का आगमन ब्रज में हुआ, सर्वप्रथम उद्धव माँ यशोदा के पास गए।
यशोदा के पास जब उद्धव पहुंचते हैं, यशोदा ने कहा उद्धव मेरा लल्ला मुझे याद करता है, क्या मुझे बचपन की बातें याद आती हैं, मेरा कन्हैया बिहारी सवरिया मुझे याद करता है। उद्धव जी को बार बार पकड़ के दिखाती हैं, देखो देखो ये वही जगह है जहां मेरे लल्ला ने उखल पे चढ़ के मटकी तोड़ी थी और यमलार्जुन का उद्धार किया था। स्मरण कराती हैं सारी चीजों। उद्धव मेरा लल्ला मेरा कन्हैया मुझे अभी भी याद करता है क्या? उद्धव जी कहते हैं माँ ये जीवात्मा बेईमान है, परमात्मा नहीं। याद तो वो करते हैं जिन्हें भूलने की आदत होती है, हम परमात्मा को भूल जाते हैं, लेकिन मेरा परमात्मा मुझे कभी भूलता ही नहीं। मेरी आत्मा में सदैव परमात्मा का वास होता है, आभास और अनुभूति करने की जरूरत हुआ करती है। अतिरिक्त बात ही तो मैं नहीं करूंगा मां, पर जो मैंने देखा उसकी व्याख्या मैं कर दूं आज। एक दिन मैंने देखा मथुरा में भगवान कृष्ण ने प्रसाद नहीं पाया, भोजन नहीं किया, मां देवकी उनसे बार बार निवेदन करने लगी, ओ नंदलाल ओ मेरे बिहारी ओ मेरे छलिया आज भोजन कर लो। कन्हैया जी ने कहा नहीं मां इच्छा नहीं है, बाद में भोजन कर लूंगा। मां अपने पुत्र के चेहरे को पढ़ रही थी, मेरा बच्चा मुझसे झूठ बोल रहा है। देवकी ने कहा कन्हैया अगर आपने भोजन नहीं किया ना, आज अगर आपने भोजन नहीं किया ना तो नंद और यशोदा की सौगंध डाल दूंगी। नंद और यशोदा की सौगंध की बात सुनते ही कन्हैया जी भाग करके देवकी के पैरों में पड़ गए। अरे मां आज के बाद मैं भोजन का परित्याग कभी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी भोजन की थाली में कभी भी गोरस मत परोसना। जैसे ही मेरी थाली में दूध दही मक्खन नजर आता है मुझे माँ यशोदा की याद आ जाती है, मुझे गौ माँ की याद आ जाती है, मैं उनके बिना नहीं जी सकता। काश ऐसा ही पुत्र हो, जब किसी वृद्ध महिला को सड़क पे देख करके अपनी माँ को याद कर ले कि मैंने मेरी माँ के लिए क्या किया, तो भागवत कथा श्रवण पूरी हुई। गौ माता मेरे बिना नहीं रह सकती। बिहारी जी ने आनंद। अब उद्धव जी ब्रज की बालाओं को समझाने जा रहे हैं। संदेशा जिसे आप बहुत चाहते हो, जैसे हमारे यहाँ सांसारिक जीवन में इसका प्रमाण ऐसे लगता है जैसे मायके से कोई गैर जाति का क्यों ना आए लेकिन अपना भाई नजर आने लगता है ना। अपने मायके से अगर कोई भी आता है ना हमारी बहनों के, तो अपना भाई नजर आ जाता है ना। तो उससे बड़ी कुशलता पूछते हैं मेरी माँ कैसी है, मेरा भाई कैसा है। ऐसे ही ब्रज की बालाओं को जब पता लग गया कि मेरे उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी से पूछने के लिए चल पड़ी।
उद्धव जी को आज ब्रज की सखियों ने वंदन नहीं किया है, प्रणाम नहीं किया है। उद्धव जी को बात बुरी लग गई कि मुझे यहां किसी ने प्रणाम नहीं किया, किसी ने वंदन नहीं किया। उद्धव बताने लगे, ध्यान करो, धारणा करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, वेदों का पाठ करो, अग्निहोत्र करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, संकीर्तन करो, तो संवरिया मिल जाएंगे। कन्हैया की बात नहीं मानी। कन्हैया ने पहले कहा था कि ब्रज में जा रहे हो उद्धव, ब्रह्म ज्ञान की बात मत करना। पर आदत, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन वाली जो थी, ब्रज के बालाओं ने काफी समय सुना सुना सुना। बाद में उद्धव का हाथ पकड़ लिया, ओ उद्धव की औलाद इधर आ। अरे तू किसे पाने की बात कर रहा है जिसे हमने कभी खोया ही नहीं। किसे दूर जाने की बात कर रहा है जो हमेशा हमारे पास है। ब्रज की बालाओं ने